एमपी मुनीब सुल्तान चीमा साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं असद उमर साहब के इस्तकबाल के लिए, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम भागटावाला में यहाँ पे हम सारे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं हम सब मौजूद हैं, असद उमर साहब का इंतज़ार है और बहुत जल्द वो यहाँ पे तशरीफ़ लाने लगे हैं। और अभी से ही आप जोश देख सकते हैं वहाँ में किस तरह जोश है, नौजवान ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इंशाल्लाह तारीखी इस्तकबाल भागटावाला की अवाम करेगी। पहले भी भागटावाला की हमेशा से अवाम खान साहब के साथ है और इंशाल्लाह अब मजीद ज़्यादा लोग जो हैं वो निकल आए हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह हमने ये हकीकी आज़ादी की जो जंग है ये जीत के रहनी है और ये लॉन्ग मार्च जो तारीखी सफ़र खान साहब ने स्टार्ट किया है आज सरगोधा है, कल इंशाल्लाह ये खुशाब जाएगा और बहुत जल्द जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो जब लाखों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद होंगे तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत को अपने आप घर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह खान साहब अल्लाह उन्हें सेहत दे, हम उनके लिए दुआगो हैं और बहुत जल्द वो आए और अपनी ये लीड करके ये रैली इस्लामाबाद में हम उनकी क़यादत में पहुँचेंगे इंशाल्लाह सब। अच्छा, इस इस्तकबाल में देख रहे हैं भागटावाला ग्रुप की एक स्पेशल जो काविश है वो शामिल है, देख रहे हैं भागटावाला ग्रुप के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी उनकी ये देख रहा है भागटावाला हो गया, मजीद और भी जो भागटावाला के सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उन सब के लिए यही है, एक तो ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए सबके लिए, बहुत अच्छी मेहनत है, ये उन्हीं की काविशें हैं, उनकी मेहनत है जिससे यार ये मजमा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो मैं आप सबको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ है कि इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग इस इलाके के लिए जैसा आगे भी मसाइल उठाते हैं, मेहनत करते हैं, आगे भी इंशाल्लाह अच्छे अपने इकदाम करते रहेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया।